हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। HSSC CET ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। ग्रुप सी से जुड़ी भी अपडेट आई है, ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी भी अपडेट आई है, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में भी अपडेट आई है, एक्स्ट्रा मार्क्स के बारे में भी अपडेट आई है, पेपर का संग्राम जोरों पर है इसकी अपडेट भी आई है, सोमवार से लिंक एक्टिवेट हो रहा है इसकी भी खबर आई है। जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम 21 और 22 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसके लिए यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा रिकॉर्डेड सिलेबस डाल दिया गया है, लाइव सिलेबस हम करवा रहे हैं, तो टॉपिक वाइज क्लास PDF भी दी जा रही है, क्लास डाउनलोड भी कर सकते हैं, वैलिडिटी भी एग्ज़ाम तक है, फ्री टेस्ट सीरीज़ भी है, तो आप फटाफट से Creation50 ये कूपन कोड लगाना है, बैच का नाम है अंतिम बैच, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। बैच आपको मात्र 499 रुपये मिल जाएगा। KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी आवेदकों से प्रेफरेंस भरवाना सोमवार से शुरू करेगा। तो जो ग्रुप सी की भर्तियां चल रही हैं उनमें पोस्ट प्रेफरेंस भरवानी है, वो पहले नहीं भरवाई थी, अब उसका काम शुरू करने वाला है और सोमवार से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और ग्रुप डी की जो परीक्षा होनी है 21 और 22 अक्टूबर को, उसके 1072 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 21 और 22 अक्टूबर को होगा पेपर आयोजित, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ट्रायल है वो आपका सॉफ्टवेयर का वो काम हो गया है और सोमवार से इसका लिंक आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपको काउंटिंग के हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस बतानी है कैटेगरी की। जैसे आपको ग्राम सचिव की पोस्ट सबसे पहले पसंद है, वैसे तो वो कैटेगरी बहुत नीचे है, लेकिन आपके कैटेगरी ग्राम सचिव की पोस्ट पसंद है तो आप इसके सामने एक नंबर डाल सकते हैं। इसी तरीके से यदि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंस्पेक्टर की पसंद है या सब इंस्पेक्टर की पसंद है, वो वैसे तो कैटेगरी में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर पर है, लेकिन आप उसको 2 नंबर पर रखना चाहते हैं तो उसके नाम के सामने आप 2 नंबर रख सकते हैं। इस तरीके से आपको क्या है, प्रेफरेंस है वो अपनी डालनी है, ठीक है। इसका जो ट्रायल है सॉफ्टवेयर का वो पूरा हो गया है और इसमें आपका प्रिंट आउट निकलेगा, उस प्रिंट आउट को निकाल के साइन करके फिर से अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो पुराना रट्टा है वो उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, आयोग के ने ग्रुप डी के CET की तैयारी की 1072 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खदरी ने बताया कि ग्रुप डी के लिए CET आगामी 21-22 अक्टूबर को होगा। इसके लिए 17 जिलों के अलावा चंडीगढ़ में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, कुल 1072 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता रखा कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये आप सभी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। मैंने आपको कल वीडियो के माध्यम से बताया था कि पेपर आपका होने जा रहा है कन्फर्म 21 और 22 अक्टूबर को, वही चीज़ आज अखबार में आपके सामने है दोस्तों। तो नॉलेज TV देसी ताऊ पर जो चीज़ शेयर करी जाती है वो बहुत अच्छे से सोच समझ के ही शेयर करी जाती है। हरियाणा, ये दूसरी खबर है एक्स्ट्रा मार्क्स को लेकर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में ग्रुप सी पदों पर भर्ती का मामला सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक काटने से पहले उम्मीदवार को नोटिस जारी होगा। आयोग ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी को पत्र लिखकर 2.11 लाख उम्मीदवारों की वेरिफिकेशन करने को कहा है। क्या कहा है देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के जिन 32,000 पदों पर भर्ती कर रहा है उन पदों के लिए 3.20 लाख आवेदकों में से जिन 2.11 लाख ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक क्लेम किए उनकी वेरिफिकेशन के बाद जिनके नंबर काटने होंगे उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। आयोग ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी को पत्र लिखकर 2.11 लाख उम्मीदवारों का डाटा दिया है और इनमें से 2.04 लाख उम्मीदवार के परिवार गया है और परिवार में सरकारी नौकरी न होने के दावे की वेरिफिकेशन करने के लिए कहा है, ठीक है ना। तो
दोस्तों जब ये वेरिफिकेशन करेगा परिवार पहचान पत्र डिपार्टमेंट, तो जिसके नंबर कटेंगे जो इनवैलिड बच्चों होगा ना उनके पास नोटिस भी भेजा जाएगा, और दोस्तों जिनके नंबर कटेंगे जिनके नंबर नहीं कटेंगे उनकी फाइनल लिस्ट भी जारी करी जाएगी वेबसाइट पर, ताकि पारदर्शिता बने रही, ऐसा कहना है। अगर ज़्यादा संख्या वाले पदों पर अलग अलग परीक्षा ली जाए तो ज़्यादा सीईटी पास उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है। यूं तो आयोग ने कई कैटेगरी को एक समूह बनाकर पेपर लेने शुरू कर दिए हैं, इस तरह लगभग 61 ग्रुप बने हैं। अब सीईटी पास आवेदकों में से 4 गुना को बुलाया जा रहा है। अगर ज़्यादा संख्या वाले पदों के लिए अलग अलग परीक्षा हो और चयन श्रेणी में पहुँचने वाले उम्मीदवार को दूसरी परीक्षा से बाहर कर नीचे मेरिट वालों को मौका दिया जाए तो ज़्यादा आवेदकों को मौका मिल सकता है। यह प्रस्ताव कई उम्मीदवारों ने भी दिया था, उदाहरण के तौर पर पटवारी, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव, कलर्क, इस तरह के 50 से ज़्यादा संख्या वाले पदों के लिए अलग अलग पेपर हो तो ज़्यादा युवाओं को नौकरी के लिए पेपर देने का मौका मिल सकता है, मगर यह फैसला आयोग को करना है। बाकी ये क्लर्कों को हटा दिया गया है, ये मैंने कल आपको वीडियो के माध्यम से बताया ही था। तो ये अपडेट आई है दोस्तों, एक तो कि सोमवार से आपका लिंक है वो एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है ना, प्रेफरेंस के लिए साइट पे नोटिस शायद आ जा सकता है। और ग्रुप डी की परीक्षा पे बहुत ज़ोरदार तरीके से काम चल रहा है, और वेरिफिकेशन का मामला भी आपका शुरू हो गया है, यानी कि दोस्तों HSSC फुल एक्शन मोड में है। आप जितने अच्छे से आप अपना परफॉर्मेंस देंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। और ग्रुप डी बैच मात्र दोस्तों 499 रुपये मिल सकता है, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड सिलेबस है, और लाइव भी करवा रहे हैं, प्रैक्टिस भी रहेगी, मॉक टेस्ट सीरीज भी फ्री, सब कुछ फ्री दोस्तों 500 रुपये में। क्रिएशन 50 ये कूपन कोड लगाना है, फटाफट करो और इन्जॉय करो। धन्यवाद।